नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस यूपी में करीब 35 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। यूपी में कांग्रेस अपना जनाधार वापस पाने के लिए हर कोशिश कर रही है। इस कड़ी में यूपी कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के यूपी संगठन को पूरी तरीके से बदला जाएगा और उसमें बदलाव करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस अपने तमाम जिला और शहर अध्यक्षों को बदलने जा रही है। और ये गाज उन नेताओं पर सबसे पहले गिरेगी जो एक्टिव मोड में नहीं है। कांग्रेस निष्क्रिय नेताओं को संगठन से बाहर कर तेज तर्रार नेताओं को संगठन में जगह देने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि ये कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले 6 राष्ट्रीय सचिवों को एक बार फिर से यूपी की कमान सौंपी गई है। कहा जा रहा है प्रदेश सचिव की तैनाती के बाद कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ अजय राय के साथ इन 6 सचिवों की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में पार्टी संगठन को भी फिर से एक्टिव करने का आदेश पार्टी की ओर से दिया गया। वहीं यूपी कांग्रेस नेताओं की बैठक फिर से दिल्ली में होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के साथ साथ यूपी संगठन में बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जानी है। कांग्रेस ने जिन 6 राष्ट्रीय सचिव को फिर से संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है उनके नाम है धीरज गुजर, राजेश तिवारी, तौकीर आलम, प्रदीप नरवाल, नीलांशु चतुर्वेदी और सत्यनारायण पटेल। कहा जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी बतौर कांग्रेस महासचिव यूपी की प्रभारी थी उस वक्त से ही 6 नेता प्रदेश सचिव का जिम्मा संभाल रहे थे। देश में प्रदेश सचिवों के साथ हुई बैठक में तय हुआ कि जिलों के संगठन की समीक्षा की जाए। जो भी जिला और शहर अध्यक्ष एक्टिव नहीं है उन्हें हटाकर किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। वहीं दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में कांग्रेस नेतृत्व से यूपी संगठन में बदलाव पर विचार विमर्श होगा और अगले 10 से 15 दिनों में जिला और शहर अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी की जा सकती है। साथ ही प्रदेश कमेटी में भी कुछ नए लोगों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। आपको यहां बता दें कि यूपी में साल 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 2 और 2019 के चुनाव में 1 सीट पर ही जीत पाई थी। वहीं 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया और 6 सीट जीतने में कामयाब रही। बड़ी बात यह है कि 40 साल बाद कांग्रेस ने इलाहाबाद, सीतापुर और सहारनपुर सीट जीता। कहा जा रहा है कि सपा के साथ गठबंधन और मुस्लिम दलित वोटरों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा, जिसके चलते कांग्रेस अपने लिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अवसर तलाश रही है ताकि पार्टी फिर से यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार पा सके। बहरहाल सियासत में हर राजनीतिक दल अवसर ढूंढता है। कांग्रेस यूपी में फिर से सत्ता पाने के मौके तलाश रही है, लिहाजा कांग्रेस अपनी कोशिशों में कितनी कामयाब होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी आप अपनी राय जरूर रखिएगा, खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।